क्योंकि जब आप ट्रेडिशनल देखोगे जस्ट हैव अ लुक जब हम ट्रेडिशनल की बात करते हैं तो ट्रेडिशनल में जनरली आपके दो थिंकर दो थियरी देखने को मिलती है एक तो आपकी रियलिज्म एक आता है आपका लिबरलिज्म रियलिज्म की बात हमने ऑलरेडी कर ली थी अब जो हमारा टॉपिक है वो ट्रेडिशनली कैसे लिबरलिज्म ने सिक्योरिटी को डिफाइन किया फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा आते हैं क्रिटिकल थिंकर्स फेमिनिज्म थिंकर और ये आते हैं हमारे नॉन ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी में तो इस क्लास में हम जो है आज की हमारी कोशिश ये है कि हम जो है ना नॉन ट्रेडि, ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से समझे ताकि हमें नॉन ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। को देखा देखा था, था ये भी देखा था किस तरीके से हमें पी वाई को ध्यान में रख करके आगे बढ़ना है फिर हमने बात की थी कि सिक्योरिटी की जो आइडिया होती है वो कॉन्टेस्टेड होती है कंस्ट्रक्टेड होती है और ये सब्जेक्टिव होती है नॉट वन सिंगल डेफिनेशन जिसपे हम एग्री कर सके फिर उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से जो टाइप ऑफ सिक्योरिटी होती है वो जनरली ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल में बटी होती है हम जो है आज वो ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी को कवर कर रहे हैं फिर हमने देखा था किस तरीके से रियलिज्म जो है ना वो सिक्योरिटी को अंडरस्टैंड करता है और हमें क्या करना है हमें अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में ये जो सिक्योरिटी डायलोमा है इसको हटाना है और इस सिक्योरिटी डायलोमा को हटाने के लिए लिबरलिज्म जो है ना आइडिया प्रपोज करते हैं और वो आइडिया क्या है लेट्स हैव अ लुक ये सब चीजें हमने कल की क्लास में कर ली थी अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो जब हम लिबरलिज्म की ओर बढ़ते हैं उदारवाद की बढ़ की ओर बढ़ते हैं तो वो कहते हैं क्यों ना हम एक मैकेनिज्म लाएं क्यों ना हम यहाँ पे कलेक्टिव डिफेंस की मैकेनिज्म को लाते हैं जिससे क्या हो कलेक्टिवली हम सिक्योर रह जाए तो जनरली जब यहाँ पे हम एक चीज में आपको दिखाना चाहती हूँ एक चीज में आपको बताना चाहती हूँ वो है आइडिया ऑफ द डिफ्रेंस बिटवीन द कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड कलेक्टिव डिफेंस क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी थी हमने बताया था कि किस तरीके से जो आइडिया ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी है वो अलग होता है कलेक्टिव डिफेंस से सो जब हम कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एक वृहद स्तर की बात करते हैं यानी कि इसमें आपकी इन्वॉमेंट इसमें आपकी जो है इकनॉमिक इसमें आपकी क्लाइमेट इसमें आपकी डिफेंस से रिलेटेड इन सभी चीज़ों को हम शामिल करते हैं सो कलेक्टिव सिक्योरिटी इज द ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी इट्स अ यूनिवर्सल आइडिया बट जब हम कलेक्टिव डिफेंस की बात करते हैं सो इट्स अग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्री और इट्स अ नैरो आइडिया इट्स नैरो और ये जनरली आपके हार्ड पावर यानि आपके आर्म्स एमोनेशन इनकी जो है होल्डिंग या फिर उनको कितना आप हाँ ग्रहण कर रहे हैं इससे रिलेटेड आपके आते हैं कलेक्टिव डिफेंस कलेक्टिव सिक्योरिटी आपके वृहद कॉन्सेप्ट होते हैं ये सब चीज़ें हमें पता होना चाहिए और इन्हीं आइडियाज को लेकर के लिबरलिज्म ने कहा कि लेट्स हैव अ कलेक्टिव अप्रोच टूअर्ड द सिक्योरिटी सो दैट वी कैन एलिमिनेट द आइडिया ऑफ अनारकी फ्रॉम द इंटरनेशनल रिलेशन टू ब्रिंग अ परपेचुअल पीस एज यू सी दैट इज प्रपोज बाई इमैनुअल कांट So, इस तरीके से किस तरीके से हम अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में एक सतत शांति को ला सके इसके बारे में हमें जानना चाहिए और ये जानने की कोशिश उन्होंने की लिबरलिज्म ने और उन्होंने प्रपोज किया जब हम कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करते हैं तो कलेक्टिव डिफेंस को जानना बहुत जरूरी होता है कलेक्टिव डिफेंस क्या होता है यानी कि आज का नेटो नेटो क्या है नेटो की जो पॉलिसी होती है यानी कि इसका जो थियरी होता है अगर हम थियरी के आधार पे NATO को अंडरस्टैंड करना चाहे, तो ये क्या होता है? होता है है कंट्रीज का एक ग्रुप पे बहुत सारे यूरोपियन कंट्री साथ में आते हैं ये कमिटमेंट लेकर के अगर मान लीजिए किसी एक पे खतरा होगा तो बाकी राज्य क्या होंगे बाकी राज्य क्या करेंगे उसे कलेक्टिवली उसको फेस करेंगे सो so इस तरीके से यहाँ पे जो खतरा होता है इनसिक्योरिटी होती है वो विभक्त हो जाती है अलग अलग राज्यों में So, यहाँ पे जो थ्रेट का परसेप्शन है वो बांट दिया जाता है और इस तरीके से जो थ्रेट होता है वो उनको मिनिमाइज कर सकते हैं तो ये जो आइडिया है वन फॉर ऑल ऑल फॉर वन दैट्स कम अंडर द नेटो आइडिया और ये आधारित होता है कलेक्टिव डिफेंस पे यानी कि यहाँ पे आप क्या करते हो हार्ड पावर से रिलेटेड इन चीजों को डील करते हो आपके न्यूक्लियर वेपन्स से रिलेटेड चीज हो गई या फिर आपके आर्म से रिलेटेड चीज हो गई इन सब के तहत हम कलेक्टिव डिफेंस को लाते हैं बट जब हम कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये आइडियलिस्ट अंडरस्टैंडिंग होती है ये यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग होती है इसमें कोशिश की किया जाता है कि हम जो है ना सिक्योरिटी को बृहद तरीके से समझने की कोशिश करें जैसे आपका यूएनएससी यहां पे

बात की है तो इस तरीके से आज का जो नेटो है वो आपके कलेक्टिव डिफेंस के बारे में अच्छे से इसको क्या करता है समझाता है बट जब हम कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये यूनिवर्सल आइडिया हो जाता है और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें यूएनएससी की एक उदाहरण के रूप में हम इसको समझ सकते हैं जब ये सब आ गया तो उसके बाद ट्रेडिशनल थियोरी यानी कि लिबरल थियोरी ने कहा कि हमें क्या करना है हमें एक परमानेंट आइडिया लाना है ठीक है एक परमानेंट आइडिया लाना है कि किस तरीके से जो अनसिक्योरिटी है क्योंकि रियलिज्म में हमने क्या देखा रियलिज्म में हमने देखा किस तरीके से सिक्योरिटी डायलेमा जो है वो सतत बनी रहती है कंट्री के बीच में क्योंकि हमने ये माना कि अंतरराष्ट्रीय क्या है अनार्केयल है अराजकता है और इस अराजकता को हम कैसे कर सकते हैं हटा सकते हैं हमें एक कलेक्टिव मैकेनिज्म लाना है और वो जो मैकेनिज्म है लाना होगा हमें कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग के थ्रू तो उन्होंने वुड्रो विल्सन ने पहली बार फोर्टन पॉइंट में कहा कि लेट्स हैव अ कॉमन अप्रोच टुवर्ड द सिक्योरिटी उन्होंने कहा कि हमें लीग ऑफ नेशन को सेट करने की जरूरत है एंड एस्टैब्लिश करने की जरूरत है जो कि आधारित होगा कलेक्टिव सिक्योरिटी पे तो पहली बार जो लीग ऑफ नेशन की नींव रखी गई वो आपके कलेक्टिव सिक्योरिटी के तहत लाया गया ताकि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में इस अराजकता की सिचुएशन को थोड़ा सा हम उसको फिल कर सकें बट एक्चुअली हुआ क्या कि आप देखोगे ये जो आइडिया है ये जो आइडिया है वो आता है आपके अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के अंदर यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी के तहत किस तरीके से हम यूनिवर्सली एक एक कॉमन डेफिनेशन ला सकते हैं एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग ला सकते हैं सिक्योरिटी के से रिगार्डिंग तो एग्रेशन इज चेक्ड बाय द कलेक्टिव सिक्योरिटी इंटरनेशनल तो यहाँ पे स्टेट को हटाया नहीं जा रहा है यहाँ पे नेशन को भी नेशन को यथा स्थिति जैसे रियलिज्म ने कहा था सिर्फ नेशन को ही काउंट किया जा रहा है तो स्टेट सिक्योरिटी इज स्टिल इम्पोर्टेंट एंड द इंडिविजुअल सिक्योरिटी इज स्टिल इिलिवेंट ट्रेडिशनल सो in so, जब हम देखते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में किस तरीके से जो कलेक्टिव सिक्योरिटी होती है वो स्टिल स्टेट को अभी भी उतना ही वैल्यू दे दी है जबकि इंडिविजुअल क्या होता है इंडिविजुअल इज इज स्टिल अंडर सो इस तरीके से यहाँ पे भी जो है ना देर इज अब्जेक्शन राइज

चाहे आप इसराइल को देखो चाहे इंडिया पाकिस्तान जितने भी कंट्रीज हैं उनकी जो अचीवमेंट होती है हालांकि इज इज सो मेनी एग्रीमेंट हैपनिंग लाइक ट्रीटी ट्रीटी ऑफ ऑफ बहुत सारे जिसमें क्या किया जाता है जोन ऑफ पीस डिक्लेयर करने की बात की जाती है बट स्टिल आप प्रैक्टिकली आप ये नहीं देखोगे कि हर कोई हर कंट्री क्या चाहता है देर इज अ ट्रेड बिटवीन कंट्री फॉर डिफेंस आप ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहते हो अचीव करना चाहते हो आर्म्स को राफेल का डील होता है या फिर एस फोर हंड्रेड ये सब आर्म्स को ले ज्यादा से ज्यादा करने की जो होड़ है वो स्टिल क्या है बरकरार है तो इस वजह से लिबरलिज्म भी कहीं ना कहीं फेल हो जाता है इंडिविजुअल को अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में इंक्लूड करने को लेकर के या फिर आर्म रेस के क्रेज को मिनिमाइज करने को लेकर के तो फिर हमें जरूरत पड़ती है एक नई अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी से संबंधित और वो नई अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी

ग्रेट पावर्स के बीच में है तो वो क्या कर देती हैं जोन ऑफ पीस या फिर ट्रीटी फ्रेंडशिप इन तरह की चीज़ों से वो क्या करती है वो को मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है बट ये जो आइडिया है ये यूनिवर्सली आप अप्लाई नहीं कर सकते तो इसी वजह से यहाँ पे इसकी कुछ लिमिटेशन हो जाती है और फिर दूसरा मैकेनिज़्म दूसरा मेकेनिज्म जो आप देखते हो कि जैसे कि आप देखो कलेक्टिव सिक्योरिटी के रूप में लाना या फिर बहुत सारी चीज़ें जैसे कि आपने देखा कि सिक्योरिटी रिजीम का concept, जो कि बहुत है, ये किया कि ना हम अंतरराष्ट्रीय एक लॉस एंड ऑर्डर लाए सिक्योरिटी को रॉबर्ट जर्विस रॉबर्ट जर्विस ने कोशिश किया कि वी शुड द इंटरनेशनल ट्रीपल ताकि हम क्या कर सके इंटरडिपेंडेंस बना रहे अगर इंटरडिपेंडेंस बना रहेगा तो देर इज द मैक्सिमम

और वो लाने का जिम्मेवारी आप देखते हो कि देयर इज नीड फॉर नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी बट ये नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी लाना इतना भी आसान नहीं था जितना आज आप देखते हो ये जो आइडिया है चाहे आप देखो यू एन जो है ना बहुत सारे कंट्री क्लाइमेट की बात करते हैं आज, पे Protocol, Summit, या फिर बहुत सारे Summit, ये, है। ये अचानक से नहीं आया। happen, जिस पे लोग जो है ना अपनी सिक्योरिटी को छोड़ करके आज वो कलेक्टिवली बात कर रहे हैं और ये कैसे आया ये शिफ्ट हुआ एक चीज के बारे में और वो था आपका नाइन इलेवन और किस तरीके से ये जो इवेंट था उसने

जिसमें आपकी कैन बुथ आते हैं इन सब के बारे में कोशिश किया गया इससे हम क्या करें सिक्योरिटी को समझ सके तो जब हम क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी की बात करेंगे तो इन सब सारे थियरी को मैं कोशिश करूंगी कि शॉर्ट में इसको आपको थोड़ा थोड़ा गेम्स दे सकूं क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में ये चीज है इतनी जब आप डिफरेंस uh, के बारे में पढ़ोगे जब आप इंटरनेशनल रिलेशन में सिक्योरिटी स्टडी पढ़ोगे तो ये सब जो थियरी होती थी ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है बट आप पॉलिटिकल साइंस क्योंकि यू आर ए स्टूडेंट फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस तो इसमें ये जो थियरी होती है ये बहुत ही कम पूछी जाती है बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत जानकारी पता हो क्योंकि ये सब चीजें जो है ना एक नई अंडरस्टैंडिंग एक नई नजरिया दे दी है हमें सिक्योरिटी को समझने के लिए बट ये सिक्योरिटी की जो नई नजरिया है वो हमें कैसे मिली क्या क्या वो घटनाएं थी जिससे हमारी इस नजरिए में बदलाव आया सो लेट्स जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम ट्रेडिशनली इन चीजों को देखने की कोशिश करते थे बट जब नाइन इलेवन आया अटैक ऑन यूएस जिसमें उनकी ट्विन टावर जो थी ट्विन टावर पर अटैक किया गया और ऐसा माना गया कि ये जो अटैक के पीछे जो मास्टर माइंड है देर इज हैंड ऑफ अलकायदा और फिर उसके बाद यूएस ने डिक्लेयर किया वॉर ऑफ वॉर ऑन टेरर यानी कि अब क्या करना है आतंक के खिलाफ हमें युद्ध करना है और यहाँ पे आपके बुश ने एक आइडिया दिया एक स्टेटमेंट दिया कि आइडर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस ठीक है और वर्ल्ड लेवल पे क्या किया जाएगा मुहिम चलाया गया कि हमें क्या करना है आतंकवाद को खत्म करना है उसके परिणाम स्वरूप आप देखोगे कि देयर इज द ताकि हम जो है ना अलकायदा को हटा सके फिर उसके बाद जब ये जो है ना ये वर्ल्ड में आपको देखेंगे ईस्टर्न तो थॉट जिसके अंदर आप ओरिएंट को समझते हो सो so, यहाँ पे जो हंटिंगटन भाई साहब की क्लास ऑफ सिविलाईजेशन थी वो ऐसा लगा कि नाव इट बिकम रियल रियलिस्टिक ठीक है तो एक समय पे ऐसा लगा कि ये जो सभ्यता का संघर्ष है वो वॉर ऑन टेरर्स के आने से सच हो गई है और ये सब चीजें आपको देखने को मिली जब इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान हुआ या अफगानिस्तान पे आक्रमण किया गया फिर उसके बाद ईरान पे देखते-देखते तो इस तरीके से क्योंकि ईरान को रोग नेशन का दर्जा दे दिया गया और क्योंकि ईरान इज इन ट्राइंग टू अचीव द न्यूक्लियर वेपन फिर आप देखो इराक कुवैत को लेकर के तो इस तरह के बहुत सारी चीजें हुई जैसे क्या हुआ देयर इज अ कंटीन्यूअस चेंज इन द आईडिया ऑफ द सिक्योरिटी यानी कि अब ये सिक्योरिटी जो है ना इसमें एक और एक्टर शामिल हो गया वो है आपके नॉन स्टेट एक्टर यानी कि जो पहले सिक्योरिटी हम राज्य को केंद्र में मान के समझते थे अब जो है ना नॉन स्टेट एक्टर की इसमें सहभागिता देखने को मिली और ये नॉन स्टेट एक्टर आपको देखने को मिला टेररिज्म के फॉर्म में तो इस तरीके से टेरिज्म के आने से ये जो सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे वृहद होने लगा और इसका जो नतीजा आप देखोगे दूसरा जो आपको देखने को मिलता है वो है आपका एंड ऑफ कोल्ड वार अब कोल्ड वार के टाइम से युद्ध के खत्म होने से ऐसा क्या हुआ कि ये नजरिया जो है ना वो पूरा चेंज हो गया तो जब आप देखोगे कोल्ड वॉर में क्या होता था जब हम कोल्ड वॉर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं दो आइडिया के बारे में एक तो आपको देखने को मिलता है कैपिटलिज्म ब्लॉक जिसमें आपके यूएस आते हैं दूसरी आइडिया आपके कम्युनिस्ट ब्लॉक जिसमें यूएसएसआर बट जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो ये आइडिया क्या हो गया पूरा चेंज हो गया और ये जो आइडिया आप क्या था जो पहले जो हम समझ रहे थे अंतरराष्ट्रीय वॉर इंटर स्टेट के बारे में एक राज्य दूसरे राष्ट्र से क्या करता है युद्ध करता है तो हमें क्या करना है राष्ट्र को मजबूत करना है अब क्या हो गया अब राज्य जो है ना एक दूसरे परिबरिज्म इंटरडिपेंडेंस हो गए और, और अब जो कॉन्सेप्ट आया वो आया सिविल वॉर का मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अस्थिरता जो है ना खत्म हो गई अस्थिरता अभी भी है बट ये अस्थिरता क्या हो गया अब ये चेंज एक अलग रूप में देखने को मिला चाहे आप देखो सिविल वॉर के रूप में तो, को पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि अलग हो गया ठीक है आइडिया ऑफ न्यू वॉर यानी आज जो है ना देर इज इंटर स्टेट वॉर पहले जो वॉर होती थी वो कैसे होती थी इंटर स्टेट वॉर एक राज्य दूसरे राज्य से युद्ध करता है बट आज क्या है देर इज अ Condition of -state war, कि आज तो किस तरीके से ये जो idea है पीस का, का उसको ही क्या किया गया चैलेंज किया गया जब वॉर का जो आइडिया चैलेंज किया गया तो यहाँ पे सिक्योरिटी भी क्या होने लगा ये आइडिया धीरे धीरे चेंज होने लगा तो अब जो है ना सिक्योरिटी का मतलब ये है टेररिज्म को खत्म करना है इसमें आप देखो किस तरीके से नॉन स्टेट एक्टर की एंट्री होती है उसके साथ साथ आया ग्लोबलाइजेशन तो ग्लोबलाइजेशन से जैसे मान लीजिए कि आज जो है ना क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में हम क्या देखते हैं एक कंट्री दूसरे कंट्री से क्या है कनेक्टेड है यानी कि मान लीजिए कि अगर मेरे राज्य में ठीक है महंगाई बढ़ती है इन्फ्लेशन आता है तो दूसरे राज्य भी क्या होते हैं इससे प्रभावित होते हैं क्योंकि हमारी मुद्राएं हैं हमारी आर्थिक नीति एक दूसरे पे क्या है इंटरडिपेंडेंट है तो इस तरीके से जो आइडिया ऑफ सिक्योरिटी है वो धीरे धीरे क्या हो गया वो अंतर निर्भर हो गए यानी एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो गई तो जैसे मान लीजिए क्लाइमेट चेंज हो गया अगर एक कंट्री पे क्लाइमेट चेंज आता है तो वो चीजें जो है ना आपको हर राज्य पे देखने को मिलता है इसका असर तो इस तरीके से जो ग्लोबलाइजेशन है इसने क्या किया सिक्योरिटी की जो आयाम थी वो पूरी तरह से वृहद कर दी ठीक है और इसमें सारे राज्य को आप देखोगे समग्र रूप से उनका जो है ना सहभागिता आपको देखने को मिलेगा तो इस तरीके से उन्होंने सिक्योरिटी के जो डायमेंशन है सिक्योरिटी के आयाम है वो धीरे धीरे क्या कर दिया आपको इंक्लूड करने की कोशिश की गई इसमें आप ह्यूमन सिक्योरिटी को भी ध्यान रखा गया यानी किस तरीके से आपने देखा होगा रवांडा जेनोसाइड तो हुतीज और तुत्सी के बीच में तो किस तरीके से बहुत सारे जो है ना माइनॉरिटी को धीरे धीरे क्या किया जाएगा चाहे आप श्रीलंका में देखो श्रीलंका में जैसे कि तमिल इन सब के बारे में जिस तरीके से जेनोसाइड होने लगा तो इस तरीके से अब ह्यूमन सिक्योरिटी को भी क्या किया गया सिक्योरिटी के दायरे में रखा गया क्लाइमेट से रिलेटेड जितने भी चेंज आ रहे हैं उनको भी सिक्योरिटी के दायरे में रखा गया तो इस तरीके से जो आइडिया पहले स्टेट को लेकर के चारों तरफ घूमती थी अब ये आइडिया क्या होने लगी अब ये ह्यूमन अब ये अब ये क्लाइमेट के चारों तरफ घूमने लगी तो इस तरीके से जो हमारी आइडिया है सिक्योरिटी का उसका जो आयाम है वो साथ साथ चेंज होने लगा और ये सब चीजें आप देखने को मिलेंगे आपको नॉन सिक्योरिटी के बारे में बट जब हम नॉन सिक्योरिटी के नॉन ट्रेडिशनल सॉरी नॉन सिक्योरिटी क्यों मैं बोल रही हूँ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के बारे में लेकिन जब हम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे तो हमें यह जानना जरूरी है कि किस तरीके से जो नॉन ट्रेडिशनल स्कूल है नॉन ट्रेडिशनल में आपको तीन जो है ना स्कूल्स आपको देखने को मिलेंगे एक तो आपको वेल्स स्कूल कोपेन स्कूल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैरी बोझान और वेल्स स्कूल और पेरिस स्कूल ये जो स्कूल्स हैं वो क्या होते हैं और ये कैसे अलग होते हैं एक दूसरे के बारे में इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कैसे जो फेमनिज्म है उन्होंने एक अलग अंडरस्टैंडिंग दी सिक्योरिटी के से रिलेटेड यानी नॉट सिक्योरिटी हमें क्या करना चाहिए जब हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट सेंट्रिक अंडरस्टैंडिंग देते हैं हमें क्या करना चाहिए एक डेफ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए फिर हम देखेंगे किस तरीके से सिक्योरिटी के आयाम जो है वो धीरे धीरे चेंज हो गए यानी कि अब जो है क्लाइमेट नहीं बहुत सारे आयाम जो है और कुछ कुछ मिसलिनिशन देखेंगे कि किस तरीके से नए नए वर्ड्स जैसे जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं रिस्क के बारे में बात करते हैं तो ये सब जो चीजें हैं वो कैसे अलग होती है प्रियमटिव वॉक क्या होता है प्रिवेंटिव वॉक क्या होता है ये कैसे अलग होता है इसके बारे में हम देखेंगे फिर उसके बाद हम पी वाई की पी वाई क्यू देखेंगे इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड इन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में टिल देन just keep revising and see how the idea of security has been changed so next class may we will discuss about the non traditional aspect of security and the question that has been keep asking by the net so that you can is the exam of the net that's the whole achievement that we are doing about it so you uh, so you guys keep practicing about the security in international relation have a good day